अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, इस केक को जो है ना हम सिर्फ 2 मिनट में रेडी करेंगे। और ये चॉकलेट केक है जिसे हम विदाउट चॉकलेट विदाउट कोका पाउडर के रेडी करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल जो है ना स्मेल फ्री होना चाहिए। और 1/4 कप ही हम ले लेंगे शुगर। और 1/4 कप ले लेंगे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिसे हम चॉकलेट केक रेडी करने वाले हैं। तो जी हाँ, हमने यहाँ पे यूज़ किया है बॉर्नविटा, इससे आपका जो केक है ना बिल्कुल चॉकलेटी रेडी होता है। 1 टीस्पून ले लेंगे कॉफ़ी पाउडर और 1 अंडा ले लेंगे। अगर आप अंडा स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह दही का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें जो है ना ग्राइंड करना है और इसका एक फाइन सा स्मूथ सा मिक्सर रेडी कर लेना है। तो मिक्सर रेडी है, इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बोल में। तो देख रहे हैं कोई भी लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी है। इस पे लगा लेंगे एक छन्नी और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा। 1/4 टीस्पून ले लेंगे बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून ले लेंगे बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक ले लेंगे। अब इसे जो है ना छन्नी से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, इससे आपका केक जो है ना सॉफ्ट एंड फ्लफी रेडी होता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है आपको। तो अभी जो ये बैटर है ना थोड़ा थिक लग रहा है ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे दूध ले लिया। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो दूध हम इसमें यूज़ करेंगे वो फ्रीज का नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत गर्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। देखने इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको लेनी है। अब दूसरा बोल जो है रेडी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मैदा लगाकर मैंने रेडी कर लिया है और मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो उसी बोल में भी इसे जो है ना बेक कर सकते हैं। हल्का सा टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स जो है रिलीज़ हो जाएँ। अब इसे गार्निश कर लेंगे अपने मनपसंद किसी भी नट से। तो मैंने यहाँ पर काजू को जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, इसे ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसे जो है ना हम माइक्रोवेव करेंगे कन्विक्शन मोड पर, या इसे बेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसे माइक्रोवेव करेंगे सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं करना है। और 2 मिनट में हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेटी केक बिल्कुल रेडी है। हम इसे चेक कर लेते हैं तो देख रहे हैं स्कीवर जो है बिल्कुल क्लीन निकली, यानी बहुत अच्छे से बेक हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये कितना सॉफ्ट, कितना जालीदार और कितना स्पॉन्जी रेडी हुआ है। तो है ना ज़बरदस्त, सिर्फ 2 मिनट में आप इसे जो है रेडी कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट भी हुआ है। तो आप लोग भी इस अमेजिंग से सिंपल से 2 मिनट चॉकलेट केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।